हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं जिसके बारे में हम विद मैप बात करेंगे रिलेटेड टू ज्योग्राफी। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में इनसे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, जो कि 6 to 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, उसमें 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना आपको मस्ट होता है, वो तो पढ़ना ही पड़ता है। तो आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो 6 to 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो मेरा नाम है ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बिना किसी समय को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से कहां अवस्थित हैं? अवस्थित यानी कि हम स्थित भी बोल सकते हैं। देखिए, जो क्लास 6 में है, 7 में, 8 में, 12th में है, उसके लिए तो ये पढ़ना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो जब आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो वहां वापस से आपको 6 to 12 पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां पर स्थित है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज्योग्राफी में अगर थोड़ा सा भी आप जानते होंगे तो आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हिमालय में तो होगा नहीं गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां। साथ में आपका क्या है, शिवालिक है, शिवालय हिमालय का एक पार्ट है। उसके बाद क्या है, उत्तरीय मैदान है, यानी कि बीच में कैसे आएगा भाई। तो बचा हमारा क्या, मेघालय। तो जी हाँ, जो हमारे गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं वो मेघालय में, ये आपको मेघालय दिख रहा है, मेघालय में ही स्थित है गारो खासी जयंतिया, बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी कि पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है। देखिए, ट्रांस मतलब होता है पार, किसी भी चीज के उस पार। तो जैसे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ट्रांस हिमालय यानी कि कौन सी श्रेणी हिमालय के उस पार में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर हम इस मैप में समझे तो आपका ऊपर क्या आएगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद आपका आएगा जास्कर, और यहाँ से आपके हिमालय शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक। तो हिमालय के उस पार सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, लद्दाख, लद्दाख तो है भाई यहाँ पे, लद्दाख रेंज है, उसके बाद जास्कर, जास्कर रेंज भी है, शिवालिक, शिवालिक जो है आपकी वो हिमालयन में आता है, शिवालिक जो है आपका वो हिमालयन में आता है, वो ट्रांस हिमालय में नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवालिक होगा। और काराकोरम भी देखिए ट्रांस हिमालय में ही आता है, ये ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। अब हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, तो अभी हमने ट्रांस हिमालय का देखा, तो देखिए सबसे पहले आपका काराकोरम है, काराकोरम ट्रांस हिमालय में आता है, उसके बाद विरहद हिमालय, ये आपका हिमालय में आता है, लघु हिमालय, ये भी हिमालय में आता है, शिवालिक, ये भी हिमालय में आता है। तो इसमें कह रहा है कौन हिमालय में नहीं आता, तो काराकोरम आपका हिमालय में नहीं आता है। हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सब हिमालय के उस पार थे, यानी कि ये आपका ट्रांस हिमालय में आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर काराकोरम हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। देखिए, अगर आपने मेरी पासेस की वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से बताया है। तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। सबसे पहले आपका आता है जेलेपाला, उसके बाद आता है जोजिला, उसके बाद आता है बोमडिला और उसके बाद आता है शिपकिला। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जेलेपला। देखिए, जेलेपला दर्रा जो है वो आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका है कलिम्पोंग और यहाँ पर है लहासा, तो ये कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है जो आपका जेलेपला है, ठीक। हमारा करेक्ट आंसर होगा जेलेपला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में सबसे गहन अपर्धन कहाँ हुआ है। तो अब देखिए, सबसे गहन अपर्धन मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा हिमालय का पार्ट है, मतलब जो कि बिल्कुल सेडिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो आपके ग्रेटर हिमालय है वो कंटिन्यूअस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेसर हिमालय भी स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूअस नहीं है बट स्टिल वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बात करें शिवालिक रेंज की, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट रेंज की, तो वो क्या है, वो ग्रेटर और लेसर हिमालय के सेडिमेंट से मिलकर के बना है, इसलिए वो इतना ज्यादा आपका इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए वहां पर हमेशा लैंडस्लाइड्स होती रहती है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले उच्च हिमालय में तो होगा नहीं, शिवालिक उपांत में, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शिवालिक में, क्योंकि यही आपका सेडिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, सबसे ज्यादा कमजोर भी यही है, यहाँ पर ही ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट है।
सबसे पहले आपका आता है सिंधु क्षेत्र, उसके बाद आता है गंगा क्षेत्र, उसके बाद आता है असम क्षेत्र, उसके बाद आता है मध्य भारत क्षेत्र। अब यहाँ बात हो रही है डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स जो है वो गंगा वाले क्षेत्र में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। असम क्षेत्र में वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में है, तो उधर भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है मध्य भारत क्षेत्र, बीच में उधर तो होगा नहीं, तो आपका क्या है सिंधु क्षेत्र, वो राजस्थान साइड से जाता है। तो यानी कि ये जो आपका है ए ऑप्शन सिंधु क्षेत्र, वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अब यहाँ कह रहा है कि अगर पर्वत श्रेणियां नहीं होती हमारे इंडिया में तो ज्योग्राफिकल इफेक्ट्स इसके क्या पड़ते हैं, यानी कि भौगोलिक स्वभाव इसका क्या होता, प्रभाव क्या पड़ता है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। अब जैसा कि इतना तो आपको पता हुआ कि सेंट्रल एशिया में जितनी ठंडी पड़ती है उतनी हमारे इंडिया में नहीं पड़ती, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो एज अ बैरियर काम करते हैं और उधर से शीतलहरें इतनी बढ़िया आ नहीं पाती, इसलिए हमारे इंडिया में मीगर विंटर होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो पहला वाला चीज जो है आपका सही है, अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली ठंड पड़ती। उसके बाद क्या है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यानी कि जो आपकी इंडस रिवर है और जो गंगा रिवर है इनका जो फ्लोइंग सिस्टम है वो डिफरेंट होता है ना, उनका फ्लोइंग सिस्टम चेंज होता। उसके बाद क्या है मॉनसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता, यानी कि हमारे यहाँ पर भी कंट्री में जैसी मॉनसून है वैसी तब क्या होती, तब नहीं होती, तब आपकी डिफरेंट होती, क्योंकि भाई आपकी विंटर्स आ रही है। तो यहाँ पर क्या है उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। अब देखिए सबसे पहले केवल पहला, तो इसमें बात कर रहे हैं केवल पहला सही है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते दूसरा और तीसरा भी सही है। उसके बाद क्या है उसके बाद है केवल पहला और तीसरा, अब दूसरा भी सही है तो दूसरा क्यों हटाना है। उसके बाद है आपका दूसरा और तीसरा, पहला वाला तो बिल्कुल ही सही है तो उसे भी नहीं हटा सकते। डी में आपका पहला दूसरा और तीसरा, तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। हाँ तीनों जो है वो सही है, अगर पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो तीनों सही होता, तीनों प्रभाव पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि भाबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए शिवालिक रेंज है, तो जब पर्वतों से नदियां उतरती हैं तो वो उनकी धारा इतनी तेज होती है कि ये छोटे 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 चट्टानों को काटते हुए आती है। तो ये जो छोटे छोटे चट्टान लेकर के आती है, ये जो छोटे छोटे चट्टान लेकर के आती है इन्हीं को हम भाबर बोलते हैं। और जब ये भाबर से धरातल में प्रवेश करती हैं तो इसी क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसी में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इसकी भी बेल्ट ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। जो भाबर है इसकी बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर की होती है, और जो तराई क्षेत्र है इसकी भी बेल्ट ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। तो ये जो तराई क्षेत्र होता है इसी में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा तराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालय जो है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पड़ता है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा एरिया तो आपका ट्रांस हिमालय से कवर कर लेता है, और अगर हम बात करें नागालैंड की तो वो छोटा सा स्टेट है, मणिपुर भी छोटा सा स्टेट है, तो क्या बचा उत्तराखंड बचा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। अब यानी कि पूछ रहा है कि जो मध्य भारत है हमारा उसमें पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो पहाड़ियां हैं उनका सही क्रम क्या है, मतलब एकदम लाइन से बताना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है ये सतपुड़ा रेंज, उसके बाद आता है महादेव। देखिए वेस्ट टू ईस्ट ऐसे चलना है ना, तो सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, उसके बाद महादेव आएगा, उसके बाद ऐसे मैकाल आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर आता है। तो क्रम में अगर हम देखें तो सतपुड़ा महादेव मैकाल छोटा नागपुर, तो देखिए सतपुड़ा ये तो पहले ही मैकाल दे दिया तो गलत होगा, उसको देखिए सतपुड़ा महादेव मैकाल और छोटा नागपुर यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इसमें आप देखेंगे तो सतपुड़ा महादेव छोटा नागपुर पहले दे दिया तो पहले मैकाल आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का कुट्टानाड या फिर हम इसको कुट्टानाडु भी बोलते हैं क्षेत्र किसके प्रसिद्ध है, यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जैसे पूछा जाता है हमसे कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, यानी कि सबसे ऊंचाई ऊंचाई वाला पूछा जाता है, तो हम क्या बताते हैं K2 बताते हैं। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए सबसे न्यूनतम ऊंचाई तब हम क्या बताएंगे, तब हम बताएंगे कुट्टानाडु, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए मीठे पानी की झील के लिए तो होगा ही नहीं, सेकेंड है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए ये जो है फेमस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें हमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है, तो देखिए
सबसे पहले है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये हमारा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जब भारत के मानते कैसे सेवन प्लेट्स थी, तो जो हमारा प्रायद्वीपी भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो वो आपका क्या है, वो आपका बिल्कुल ओल्डेस्ट है, ठीक, तो वो सबसे ज्यादा पुराना है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी कि फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना माउंटेन्स आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, तो ये आपका जो है वो सही है। उसके बाद क्या है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अब पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कोस्ट यानी कि वेस्टर्न साइड की जो नदियां हैं उनका निर्माण जो आपके क्या है नदियों का जमाव है उसके द्वारा हुआ है, तो ये चीज क्या है, ये चीज आपकी गलत है, नदियों के जमाव द्वारा नहीं हुआ है। और अगर हम डी देखें तो भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये चीज भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है। सबसे पहला है आपका तराई, वो हम जान ही चुके हैं। उसके बाद है दून, वो भी हम जानते हैं। देखिए दून क्या होता है, लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में जो वैलीज होती हैं उन्हीं को हम दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। उसके बाद आपका खादर है और उसके बाद भाबर है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। सबसे पहले यहाँ पर है मध्य भूमि स्थित का, उसके बाद है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, उसके बाद है गिरिपत की स्थिति का, उसके बाद है अनुसमुद्री स्थिति का, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गिरिपत की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। अब पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहा है, तो हम वेस्ट टू ईस्ट चले थे जब हमें बीच की बात कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि हमें ऐसे चलना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आता है, सबसे पहले हमारे इधर आता है कंचनजंगा, ठीक, तो सबसे उधर आएगा, सबसे ईस्ट साइड में आ रहा है कंचनजंगा। उसके बाद हमारा आ रहा है यहाँ पे एवरेस्ट, ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट आ रहा है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद हमारा ये अन्नपूर्णा आ रहा है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सबसे बाद में आ रहा है धौलागिरी, यानी कि सबसे वेस्ट साइड में आ रहा है धौलागिरी। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो देखिए कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से कितनी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का, तो अगर जैसे मान लीजिए जैसे जो हिमालय है वो ऐसे ही है, तो अगर हम बात करें पश्चिमी की, तो पश्चिमी जो हिमालय है वहां पर जो पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती है वो 3000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाई जाती है, 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वी हिमालय की, तो यहाँ पर जो पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं वो 4000 मीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है, कितनी 4000 मीटर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का, तो आपका कम ही है क्योंकि यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 3000 है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे कि एक ही पर्वत श्रृंखला है लेकिन फिर भी जो पर्वतीय वनस्पतियां हैं वो अलग अलग एलिवेशन की हैं, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे आपके पश्चिमी हिमालय है वो ज्यादा ऊंचे हैं और पूर्वी हिमालय कम ऊंचे हैं। अगर आपने मेरी हिमालयन माउंटेन्स की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हिमालय है जिसकी कितनी एलिवेशन है और कितनी उसकी एल्टीट्यूड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला, यानी कि कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेटर हिमालय आएगा, उसके बाद लेसर हिमालय आएगा और उसके बाद आपकी शिवालिक आएंगी। तो कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, एक आपका ग्रेटर हिमालय हो गया और एक आपका शिवालिक हो गया, इन्हीं के बीच में आपका ये लेसर वाला होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए पहले ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, तो इनके बीच में तो होता नहीं है, शिवालिक और महान हिमालय, तो यही हमारा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ यानी कि हमको इधर से इधर की तरफ जाना है, तो हमें दक्षिण से उत्तर की ओर का बताना है। तो सबसे पहले अगर हम दक्षिण में देखें तो वहां पर कौन सी रेंज आ रही है आपकी, यहाँ पर आ रही है हमारी शिवालिक वाली, ठीक, उसके बाद
ऊपर कौन सा आ रहा है, उसके बाद आपका आ रहा है लेसर हिमालयस, उसके बाद आपका आ रहा है ग्रेटर हिमालयस। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो महान हिमालय पहले देखे तो सबसे दक्षिणतम में महान हिमालय नहीं पड़ता, उसके बाद क्या है शिवालिक, तो हाँ ये सबसे दक्षिणतम पड़ता है, तो शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप डी वाले में देखें तो वहां पर भी शिवालिक है पहले, लेकिन शिवालिक के बाद महान दे दिया, तो बीच में महान नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सबसे उत्तर की तरफ पड़ता है, नॉर्थ नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, यहाँ से आप सीक्वेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, जिसमें सबसे पहले आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ टू नॉर्थ की बात यहाँ पे हो रही है, तो बात यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ की हो रही है। तो सबसे पहले देखिए आपका, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या आएगा, धौलाधार आएगा। धौलाधार क्यों आएगा, क्योंकि ट्रांस हिमालय के नीचे पड़ता है आपका लेसर हिमालय, तो हम साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो जो लेसर हिमालय है उसी की रेंज है आपकी धौलाधार। तो लेसर हिमालय के ऊपर साइड नॉर्दर्न साइड में तो ट्रांस आएगा, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, धौलाधार आएगा, क्योंकि वो लेसर हिमालय की रेंज है। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी हो गई, उसके बाद नीचे सबसे नीचे क्या आता है, जैस्कर, तो धौलाधार के बाद जैस्कर, उसके ऊपर क्या आता है, लद्दाख, तो जैस्कर के बाद लद्दाख, और उसके ऊपर आता है आपका काराकोरम। तो हमारा सही क्रम क्या होगा, हमारा सही क्रम होगा धौलाधार, उसके बाद जैस्कर, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद काराकोरम। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। देखिए अगर आपने मेरी पासेस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कौन सा क्योके है, अक्साई चीन है, कौन सा क्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, इसमें ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका अक्साई चीन है, यानी कि इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, और ये जो एरिया है ये आप सब जानते होंगे ये आपका क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि जिसको हम पीओके कहते हैं, इसे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो भारत का ही लेकिन पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर बात हो रही है अक्साई चीन का भाग है। तो देखिए इससे भी अगर हम देखें, सबसे पहले आता है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी तो बिल्कुल नीचे चला गया, वो तो हो नहीं सकता। उसके बाद आता है कश्मीर घाटी, वो आपकी इधर साइड पड़ता है, वो भी नहीं होगा। उसके बाद है लद्दाख पठार, अगर हम बात करें लद्दाख पठार की तो वो आपका कुछ इस तरीके से पूरा लद्दाख पठार ही है ऐसे, ठीक, तो वो आपका अक्साई चीन में ही पड़ता है, मतलब मेनली जो उसका पार्ट है वो अक्साई चीन में ही पड़ता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है रोंडन, उसके बाद आता है गंगोत्री, फिर आता है सियाचिन, उसके बाद आता है केदारनाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रोंडन, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। अब यहाँ पे बात हो रही है उत्पत्ति की दृष्टि से, सबसे पहले आपका आता है अजंता श्रेणी, उसके बाद आता है पालकोंडा श्रेणी, फिर आता है कैमूर पर्वत, उसके बाद आता है पटकाई श्रेणियां। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पटकाई श्रेणियां, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, पीर पांचाल श्रेणी कहाँ स्थित है, जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीर पांचाल श्रेणी कहाँ स्थित है। अब देखिए पीर पांचाल क्या बात हो रही है, तो ये वाला आपका काराकोरम हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, फिर जैस्कर हो गया, और ये वाली आपकी श्रेणी है पीर पांचाल की, जो कि लेसर हिमालयस की रेंज है, जो कि कहां पर पड़ती है, जो कि आप सभी को पता होगा यार, जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। और कहां पड़ेगी, देखिए अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है, वो तो बिल्कुल उधर चला गया ईस्ट साइड में, उधर तो कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता, जम्मू एवं कश्मीर में, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर बात करें पंजाब में तो वो नीचे साइड है, उधर भी नहीं होगा। उसके बाद उत्तराखंड में, वो और आपका उधर साइड है, तो वहां पे पीर पांचाल रेंज नहीं पाई जाएगी, तो पीर पांचाल रेंज जम्मू एवं कश्मीर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया का जो पेनिनसुला प्लेटू वाला एरिया ने प्रायद्वीपी पठार है, वो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमने पढ़ा कि ये क्या है, स्ट्रक्चरली फोल्ड और यंग माउंटेन्स, यानी कि नवीनतम है। उसके बाद उत्तर भाग का विशाल मैदान, और उसके बाद है प्रायद्वीपी पठार, फिर है पूर्वी तटीय मैदान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीपी पठार, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपी पठार। देखिए ये जो है आपका, ये पूरा
पेनिनसुलर प्लेटेड है जो कि सबसे ज्यादा प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यहाँ बात हो रही है आपकी किसकी, कश्मीर वैली की, यानी कि कश्मीर घाटी, तो वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो यहाँ पर देखिए आपकी ये है कश्मीर वैली, ठीक, जो कि आपके ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ पर ये आपके ग्रेटर हिमालयाज और जो पीर पांजाल रेंज यहाँ पे मैंने बताई थी उनके बीच में स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वृहत हिमालय व पीर पांजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब देखिए सबसे प्राचीनतम की बात करें तो हिमालय क्या है, नवीनतम है, तो अगर प्राचीन की बात करें सबसे पहले हिमालय आ गया तो गलत है, अरावली और उसके बाद विंध्य, उसके बाद सतपुड़ा, तो सबसे प्राचीनतम हमारी कौन सी है, अरावली। अरावली के सामने हिमालय भी कुछ नहीं है, बच्चा ही है, ठीक है, क्योंकि वो नवीनतम है और ये सबसे ज्यादा प्राचीन है, पुरानी है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है? सबसे पहले आपका आता है हिमालय, उसके बाद आता है किलिमंजारो, और उसके बाद आता है एटना, और उसके बाद आता है अरावली, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अरावली, यानी कि ये सबसे ज्यादा अवशिष्ट पर्वत में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, इनके बीच की श्रेणी पूछ रहा है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली नदी आपकी कौन सी है, ये नर्मदा नदी है, और ये वाली हमारी ताप्ती नदी है, और इसके बीच में कौन सी रेंज है आपकी, सतपुड़ा रेंज है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है यानी कि नॉर्थ टू साउथ, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नल्ला मलाई पहाड़ियां, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियां, उसके बाद जवादी पहाड़ियां, फिर अन्ना मलाई पहाड़ियां, सबसे पहले आपका नल्ला मलाई पहाड़ियां ही आता है, उसके बाद क्या है आपका, लेकिन उसके बाद ये नीलगिरी नहीं आता तो ये गलत हो जाएगा, उसके बाद आपका आता है अन्ना मलाई पहाड़ियां, शुरुआत में ये नहीं आएगा नॉर्थ साइड में, फिर सी में आपका नल्ला मलाई पहाड़ियां, फिर जवादी पहाड़ियां, फिर नीलगिरी पहाड़ियां, फिर अन्ना मलाई पहाड़ियां, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप, ये जो पहाड़ियां हैं सभी, इनको आप एटलस में जरूर ढूंढेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे आज के 30 क्वेश्चंस का सेट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आई होप आपको समझ भी आया होगा। बाकी के 30 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।